तो सुनी आपने ये आवाज। तो आज की रेसिपी है मशहूर कांदा भजी। तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। सो वेलकम और वेलकम बैक टू टेस्टी बाइट्स। लेट्स बिगिन विद द रेसिपी, स्टे ट्यून्ड। रेसिपी को प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिए हैं 3 स्लाइस्ड अनियन, जिन्हें मैंने बिल्कुल पतला पतला थिनली काटा है। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक और चिली, साथ में थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप राइस फ्लावर, चावल का आटा, जिससे ये बहुत ही कुरकुरी बनेंगी। इसके साथ मैं ऐड करूंगी इसमें 1/2 कप बेसन। बेसन ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग, और अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में 1 छोटा चम्मच हल्दी का, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा ही चम्मच किचन किंग मसाले का। इसके साथ हम इसमें डालेंगे अजवाइन 1 छोटा चम्मच। इसमें डालें 1 टेबलस्पून ऑयल, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई सा भी ऑयल अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने नमक डाला है इसमें, और अब मैं इन सभी इंग्रेडिएंट को अपने हाथों से क्रश कर लूँगी अच्छी तरह से। क्रश करने के बाद हमें इसे थोड़ा सा रेस्ट देना है, ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा देंगे तो इसमें पानी आ जाएगा। अब मैं हल्का सा इसमें पानी डाल के थोड़ा सा और क्रश करूँगी, और इसे उस कंसिस्टेंसी पे लाऊँगी जिसके मुझे पकौड़े बनाने हैं। आप पानी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ हरी चटनी, जिसके लिए मैंने 1 कप लिया है हरा धनिया। इसमें मैं डालूंगी 7 से 8 गार्लिक यानी लहसुन की कलियाँ, 3 मैंने ली हैं ग्रीन चिली, और साथ में मैंने लिया है 1 कप मिंट। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें डालूंगी मैं 1/2 अनियन, जिसे मैंने रफली काट लिया, और बस अब इसकी प्रिपेयर कर लेंगे हम चटनी। चटनी को आप सर्व करेंगे कुरकुरी भजिया के साथ। तो चलिए भजिया की प्रिपरेशन पे चलते हैं। अब एक पैन में मैंने तेल लिया है। तेल डालने के बाद हल्की आंच, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको सारी भजिया ऐड करनी है उसके गर्म होने के बाद, और इन भजियाओं को आपको सिर्फ लो फ्लेम पे ही पकाना है, तब इसमें आएगा वो कुरकुरापन। जब आप प्याज के पकौड़े इसमें डालेंगे तो आपको इमीडिएटली इसे टच नहीं करना है, थोड़ी देर बाद इसे हल्के हाथों से कढ़ाई से ऊपर लाना है, जिस तरह की मैं कर रही हूँ, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इन्हें थोड़ा सा सर्कल देना है ताकि ये अच्छी तरह। तो अब ये इवनली कुक हो चुकी हैं। इस पॉइंट पे आप इनका ऑयल ड्रेन आउट करके इन्हें कढ़ाई में से निकाल के, तो बस रेडी है आपकी भजिया। अब आप इसे इंजॉय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जो भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आज की वीडियो यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।